खाने को चटपटा और जायकेदार बनाने वाला आलू सीम का अचार आज बनाते हैं। नमस्कार, सोनालिका गौमय किचन में आपका स्वागत है। चटपटे अचार को बनाने के लिए इस रेसिपी को फॉलो करें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके लिए हम सीम को क्लीन करने से, तो यहाँ पे हमने ब्रॉड बीन सीम को 300 ग्राम जो लिया है उसको अच्छे से धोकर इस तरह से कट लगाकर इसको साफ करना है हमें, और इस तरह से बीच से खोल कर देख ले कि इसमें कोई अशुद्धि ना हो इस तरह से, और इसको हम 3 से 4 टुकड़ों में बराबर भागों में बांटेंगे। तो इस तरह से इसको कट कर ले। फिर से हम दिखा देते हैं कि हमने इसको ऐसे काटा है और सारे सीम को इसी प्रकार से रेडी कर ले। और इस बीच हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। बिल्कुल इसको उबालने के लिए हमें बॉइलिंग वाटर चाहिए। तो सीम क्लीन हो चुके हैं, पानी हमारा गर्म हो चुका है, और सीम डालने से पहले पानी बिल्कुल इस तरह का गर्म होना चाहिए। 2 चम्मच इसमें नमक डाल लें और तेज आँच पे ही हम इसको पकाएंगे। तो सीम को डाल लें इस पॉइंट पर, 2 से 2.5 मिनट तक इसको उबालेंगे। इस बीच आलू को हमने उबाल कर ले लिया, 3 आलू मीडियम साइज के ले लिए हैं, और 2.5 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो हाई हीट पे 2.5 मिनट पकने के बाद ये सीम हमारा बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद कर दें और सारे सीम को निकाल लें किचन टॉवल पे या किसी ऐसे सूती कपड़े पे जिस पे ये आसानी से सूख सके, ड्राई हो सके। पानी की मात्रा जितनी कम रहेगी अचार आपका उतना ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, ज़्यादा दिन टिकेगा। अब अचार का मसाला बनाते हैं। तो सबसे पहले धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च और मेथी को ड्राई रोस्ट करेंगे, सूखा भून लें इसको धीमी आंच पे। 2 से 3 मिनट में ये बढ़िया रंग बदल जाएगा, खुशबू आने लगेगी इस तरह से, देखिए। तो गैस को बंद कर दें और इसको हम दरदरा कूट लेंगे इस प्रकार से। आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी इसको कूट सकते हैं, पर इससे काफ़ी बढ़िया दरदरा टेक्सचर आता है जो इस अचार के लिए परफेक्ट माना जाता है। तो इस तरह से इसको कूट के साइड में रख लें। इस अचार को आप बड़े आराम से फ्रिज में स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में, तो 10 से 12 दिन के लिए रख सकते हैं। वैसे ये खाने के लिए इंस्टेंट रेडी हो जाता है। तो मसाले साइड करें, अब तैयार करते हैं हम अचार। तो सीम हमारा बिल्कुल बढ़िया से सूख चुका है, हल्की सी मॉइस्चर इसमें रह जाती है जो कि ठीक है। इतने जो अचार हमारा है परफेक्ट है इस लेवल का मॉइस्चर रहने पे। तो आलू को डाल ले इसमें, नमक डाल ले 2 चम्मच। नमक की मात्रा थोड़ी सी आप हायर रखें, नमक चटकदार होना चाहिए। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल लेंगे। यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स डाला है। उसके अलावा जो अचार का मसाला हमने तैयार किया था वो डाल ले 2 चम्मच। अब हम सरसों के तेल को ले लेंगे, 4 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है, और हाई हीट पर इसको गर्म करेंगे। बिल्कुल जब धुआं उठने लगे तब गैस बंद कर दें, थोड़ा सा ठंडा होने दें। उसके बाद इसमें डालें 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ। इसको हल्का सा चटकने दें, गैस हमने बंद रखा है, और गरम तेल को ही हम डालेंगे अपने अचार में। इसे बहुत अच्छा चटका जैसा लग जाता है और अचार में जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब इसको अच्छे से मिला लें ताकि गरम में जो तेल है वो सारे मसाले पे अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें आमचूर का पाउडर, 1 चम्मच डाला हमने, और मसाले थोड़े से कम लग रहे थे इसमें, लाल मिर्च हमने फिर से डाल लिया 1 चम्मच, और आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मिला लें। मसालों को आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, हालांकि नमक हमेशा हायर एंड पे रहना चाहिए, तभी ये ज़्यादा जायकेदार और चटपटा लगता है और ज़्यादा दिन टिकता है। बहुत ही स्वादिष्ट आलू और सेम के अचार का आनंद लें। थैंक यू।